जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिन पेन के बारे में। शिन पेन क्या होता है दोस्तों? जो बच्चे फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे रनिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनके घुटने से नीचे सामने वाली हड्डी में जो पेन होता है उसको शिन पेन बोलते हैं। घुटने से और टखने के बीच में जो सामने जो हड्डी है, सामने वाली हड्डी में जो पेन होता है दौड़ते समय, वो शिन पेन है। और ये प्राय लगभग सारे बच्चों को होता ही होता है। तो इसको दूर करने के लिए, शिन पेन से बचने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज हैं, 4-5 एक्सरसाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिनसे आप शिन पेन पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं शिन पेन से। तो इसमें सबसे पहली दोस्तों जो एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ ये रनिंग के बाद में करनी है आपको, जब आपकी दौड़ कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, इसके बाद में 2-3 मिनट के लिए सारी एक्सरसाइज हैं, 4-5 एक्सरसाइज ये आप करके शिन पेन दूर कर सकते हैं। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है दोस्तों, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है, अभी आपको ये करके बता देंगे कमांडोज किस तरह से पहली एक्सरसाइज है। अब इसमें क्या करना है, इस तरह से बॉडी को पूरा ऊपर रखना है, बॉडी इस तरह से पूरी ऊपर रहेगी, पैरों पे सिर्फ पंजों पे सिर्फ पूरी बॉडी का वजन रहेगा, डाउन डाउन अप, सिर्फ पंजों पे, शाबाश, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, पूरा पंजों पे सिर्फ अंगुलियों पे वजन रहेगा, डाउन अप डाउन, पूरी बॉडी का वजन सिर्फ सामने वाली हड्डी पे आता है। इसमें जो शिन पेन जहाँ शुरू होता है आपका, उसी पे पूरा वजन आता है बॉडी पर। लगातार अगर इस पे वजन डालेंगे हम, तो इससे शिन पेन दूर होगा। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों, इसी एक्सरसाइज में चलना है कुछ कदम, 5-10 कदम आपको आगे चलना है, 5-10 कदम आपको पीछे चलना है। रेडी अप एडवांस, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे चलना है, शाबाश, धीरे धीरे चलना है, इसके अंदर धीरे धीरे चलना है, सिर्फ धीरे धीरे, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे कदम, हाँ छोटे छोटे कदम, स्टॉप। ये दो नंबर एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज डाउन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, घुटनों पे हाथ रखना है, दोनों पैरों को मिला के रखना है और धीरे धीरे नीचे बैठना है। नीचे बैठेंगे धीरे धीरे, डाउन, शाबाश, धीरे 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 पैरों को मिला के रखना है, घुटनों को सपोर्ट रखना है और पूरा नीचे बैठने की कोशिश करनी है। अप, धीरे 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 उठना है, धीरे धीरे उठना है, शाबाश, अप। ये एक्सरसाइज भी आप नियमित रूप से करिए। इसके बाद में दो एक्सरसाइज आप लेट के कर सकते हैं। इसमें देखना क्या करना है, सबसे पहले पैरों को टाइट रखना है, घुटने टाइट करने हैं और पंजों को अपनी तरफ टाइट करके खींचना है, अप में खींचना है, डाउन में वापस ले जाना है, अप, पूरा अंदर की तरफ खींचना है, पूरी हड्डियों को खींचना है, घुटने को टाइट रखना है, पैरों को मिला के रखना है, पैरों को मिला के रखिए, घुटने को टाइट रखिए और पंजों को अंदर की तरफ खींचना है, अपनी बॉडी की तरफ, डाउन डाउन में फिर सीधा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, शाबाश, सीधा कर दीजिए, अप, खींच के रखिए, डाउन डाउन में वापस सीधे कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों तीसरी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एक एक पैर को प्रैक्टिस करना है, एक एक पैर को, पहले हम लेफ्ट पैर से शुरू करेंगे, सेम इसी तरह से घुटना टाइट रखना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है और पैर को ऊपर उठा के रखना है, 10 तक गिनती बोलनी है, फिर डाउन, फिर दूसरे पैर के साथ, पहले बाएं पैर से शुरू करेंगे, अप, अंदर की तरफ पैर को टाइट करिए, अंदर की तरफ पैर को टाइट करके रखना है, घुटना टाइट रहेगा इसके अंदर और इसके बाद पूरा अंदर की तरफ खींच के रखना है, रोक के रखना है, यही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन, धीरे धीरे वापस करना है, धीरे धीरे वापस छोड़ दीजिए। अब इसके बाद दूसरे पैर से, दूसरे पैर के साथ भी यही करेंगे, घुटने को टाइट करना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है और बॉडी, पैर को पूरे को ऊपर उठाना है, अप टाइट करके उठाना है, शाबाश, शिन पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, रोक के रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन डाउन में धीरे धीरे वापस, फिर पहले पैर के साथ दोबारा करना है। तो दोस्तों ये था शिन पेन के लिए 4-5 एक्सरसाइज, जो आप नियमित रूप से अगर प्रैक्टिस के बाद में करते हैं तो आपका शिन पेन पूरी तरह दूर होने की संभावना है। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।